आई होप यू आर हैविंग अ लवली डे और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय नवरात्रि सीरीज। एक ऐसा सीरीज जहां पे होने वाले हैं और हो चुके हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टनिंग मेकअप लुक्स और आ चुके हैं कई गेस्ट और मेहमान इस चैनल पे जिनसे आप सभी मिल चुके हो, बट एक स्पेशल गेस्ट अभी भी बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड और आने वाला है इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना एंड बेल आइकन मत भूलना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी मेरे वीडियोस मिस ना करो। एंड आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल गॉर्जियस स्टनिंग पीकॉक ग्रीन मेकअप लुक। एंड मुझे पर्सनली अपना आई मेकअप आज बहुत अच्छा लग रहा है। आई एक्चुअली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस रिजल्ट बट इट हैज टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल एंड इट्स मैचिंग परफेक्टली विद माय साड़ी। तो चलिए मेकअप वीडियो सीखते हैं फॉर डे 8 यानी कि जिस दिन कलर है पीकॉक ग्रीन। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया है यूजिंग अ मॉइस्चराइजर। यहाँ पर मैंने यूज किया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। इट्स अ ब्यूटीफुल नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर और मेकअप से पहले अप्लाई करना ना भूले, नेक पर भी जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं और फाउंडेशन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन एंड आई एम गोइंग टू टेक ओनली 2 pumps। इट इज मोर देन इनफ फॉर माय फेस एंड इसे मैं अप्लाई कर लूंगी यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर। सो इसकी मदद से मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट पिक कर लूंगी एंड इसे मैं अप्लाई कर लूंगी ऑन द फेस इन द डैबिंग मोशन। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करें और एक थिन लेयर से शुरुआत करें एंड यू कैन बिल्ड दी कवरेज और नेक पर फाउंडेशन अप्लाई करना ना भूलें। सो आवर फाउंडेशन इज डन एंड हमारा फेस कितना बेटर लग रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर और इसे मैं अप्लाई कर लूंगी अंडर द आईज, ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज, ऑन द फोरहेड, नियर द लिप्स, ऑन द चिन, ऑन सम एक्ने मार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स, basically all the places where I want to conceal but also give my face a really nice bright look. जैसा कि आप देख सकते हो difference, this concealer immediately brightens and conceals beautifully. So in the same way I'm going to blend the concealer properly on rest of the face. So our base makeup is done and you can see it's looking so flawless, even toned and natural. So इस beautiful से base makeup को हम set कर लेंगे with the help of Maybelline's Fit Me Loose Finishing Powder in the shade 20. And camera में product focus करना is also another struggle, literally as you can see. Okay, finally, I'm going to pick it with the help of Beauty Blender and will apply it under my eye. That this step is called baking, with the help of which I'm going to set my concealer so that it will not crease easily. मैं थोड़ा सा पाउडर आईलेट पे भी अप्लाई कर लूंगी बिफोर स्टार्टिंग विद द आई शेडो। नाउ इट्स टाइम फॉर आईब्रोज, जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ कलर एसेंस का एक्सपर्ट आईब्रो पेंसिल। इट कम्स विद एन एंगल टिप एंड अ स्पूली। सो यूजिंग द स्पूली आई एम गोइंग टू ब्रश माई आईब्रोज इन द डिजायर्ड शेप एंड नाउ यूजिंग द एंगल टिप विद अ वेरी लाइट प्रेशर आई एम गोइंग टू फिल इन द गैप्स ओनली, गिविंग माई आईब्रोज अ वेरी नाइस डिफाइंड लुक। Then going back to the spoolie, I'm going to brush the eyebrows to distribute the product evenly. You can see the difference a defined eyebrow creates. So quickly I'm going to do the other eyebrow as well. So now it's time for the eyeshadow, जिसके लिए मैं use करने वाली हूँ अपना recent favorite eyeshadow palette from SFR Color. It comes with 63 different multicolor shades and you can see we have so many options for blue and green. So I know आपको वीडियो में मेरा ब्लाउज एक कलर का लग रहा होगा बट हमारी साड़ी है 2-in-1। इट हैज दैट पीकॉक ब्लू, पीकॉक ग्रीन एंड वेरियस शेड्स। हमारा आज का आई लुक भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू पिक दिस फ्लफी आई शेडो ब्रश फ्रॉम वेगा ब्यूटी एंड नाउ यूजिंग द पैलेट आई एम गोइंग टू पिक दिस ग्रीन शेड, इट कॉल्ड किक द वॉल and इसे मैं apply कर लूंगी on our eyelid from start till the end and OMG, it is pigmented, it is very pigmented, it's amazing.
सो इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से ऑन माई आई लिड, क्रिएटिंग अ रियली नाइस ग्रीन कलर बेस। सो हमारा ग्रीन बेस हो चुका है एकदम रेडी और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लू कलर। सो जिसके लिए मैं पिक कर रही हूँ ये शेड जिसका नाम है चॉकलेट, एंड इसे मैं अप्लाई करूंगी ओनली ऑन दी आउटर पार्ट इन अ वी मोशन। बेसिकली यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। सो आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लें एंड यू विल सी वी हैव क्रिएटेड अ वेरी नाइस ट्रांजिशन। यू कैन सी ग्रीन कलर ऑल्सो, यू कैन सी ब्लू ऑल्सो। बेसिकली काफी अच्छा 2-in-1 आई शेडो हो चुका है हमारा, वेरी स्मार्ट है ना। सो क्विकली आई एम गोइंग टू डू दी अदर आई एज वेल। सो हमारा बेस आई मेकअप हो चुका है एकदम रेडी। वी हैव बोथ दी कलर्स ग्रीन ब्लू एंड अ वेरी नाइस ब्लेंडेड ट्रांजिशन। ये आई मेकअप हमारी साड़ी के साथ भी कितना परफेक्टली मैच कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। स्नाच फॉर सम स्पार्कल यानी कि द ग्लिटर आई शैडो, इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ मार्स का ये मल्टी कलर ग्लिटर आई शैडो पैलेट, एंड आई एम गोइंग टू पिक दिस ब्लू कलर यूजिंग माई फिंगर एंड विल अप्लाई इट ऑन द सेंटर ऑफ द आईलेट, ब्लेंडिंग इट ऑन बोथ द साइड्स। एंड फिंगर से ग्लिटर शेड पिक करना और अप्लाई करना काफी ईजी होता है, एंड लुक एट दैट शाइन। हमारा आई मेकअप ऑलरेडी कितना ब्यूटिफुल एंड ग्लैम लग रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, बट यू गॉट दिस आई लुक इन ओनली 3 steps। सो डूइंग द सेम फॉर द अदर आई। Now using a tiny brush, I'm going to pick the same blue shade and will apply it on my lower lash line to give my eyes a complete look. ये step बिल्कुल भी skip ना करें. Now going back to the same thin brush, I'm going to pick this golden glitter shade called Shine Bright and will apply it on the inner corners of my eyes for that bright awake look. Now it's time to enhance this eye look, for which I'm using this Maybelline Colossal Eyeliner, and I'm going to apply a very simple classic eyeliner from start till the end, close to the lash line. Basically, ये step हमारे eye makeup को बहुत ही beautiful outline देगा, and our eyes will look bold and beautiful. So then it's time for mascara, but before that, I'm going to curl my lashes using Becca Beauty Premium Eyelash Curler. And I'm going to place the lashes in between, we'll curl it 3-4 times for that nice curled look in our lashes before applying the mascara. Mascara ke liye main of course use karne wali hu mera another favorite L'Oreal Paris Voluminous Mascara to give my lashes a really nice volume. And I'm going to apply the mascara in the upward motion, and you can see the difference this mascara creates. ऐसा लग रहा है आपने फॉल्सीज अप्लाई किया है। सो डूइंग द सेम फॉर द अदर आई एंड ऑफ कोर्स ऑन द लोअर लैश लाइन एज वेल। सो आवर आई मेकअप इज डन एंड इट्स लुकिंग स्टनिंग, इट्स लुकिंग परफेक्ट फॉर ओकेजन एंड फॉर फेस्टिवल्स। सो नाउ इट्स टाइम टू डू द रेस्ट ऑफ द फेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉन्टोरिंग, एंड मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट, एंड आई एम गोइंग टू पिक दिस डार्कर ब्राउन शेड एंड आई विल अप्लाई इट अंडर माय चीक बोन to get that nice sculpted lifted look. Blending it in the upward motion is very important. I'm also going to contour my jawline a little bit underneath for that nice sharper jawline look. For nose contouring, I'm going to pick the eyeshadow brush, and using the same color, I'm going to give the nose a nice sharper defined look. Now it's time for blush, for which I'm using Blue Heaven's Shimmer Matte Blush, and I thought ye shade match kar raha hai mere background se, but no it doesn't. Background is way more vibrant. So this is a beautiful pink orange kind of color, and I'm going to apply it on the apples of the cheek and will blend it in the upward motion for that nice subtle rosy look on our cheeks. So blending it really nicely in the upward motion on both the sides. And of course, applying a little bit on the nose for that cute girl look. It's looking very subtle, and now it's time to be a glow baby, for which I'm using Mars Cosmetics Wonder Highlighter in the shade Gold. This is such a beautiful highlighter. Look at that shine it gives. Amazing. So I'm going to apply it on the forehead, bridge of the nose, high points of my cheek to get that nice healthy glow on our face. Such an amazing budgeted highlighter. I would highly recommend this product.
Now using the eyeshadow brush, I'm going to apply highlighter on the brow bone as well for that nice pop in our eye. So since we have created a dramatic eye look, I'm going in with the nude lipstick shade, for which I'm using Maybelline's creamy matte lipstick in the shade Touch of Spice. और जैसे कि हमारा face इतना चमक रहा है तो थोड़ा glow body पे भी add करना बनता है ना, जिसके लिए मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ऑन दी कॉलर बोन एंड इट विल लुक लाइक अ ग्लोइंग स्किन, यू नो। सो मेकअप लुक इज डन एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये आई मेकअप, जैसे कि आप देख सकते हो ये फेस्टिव भी लग रहा है, ग्लैम भी, बट एट द सेम टाइम काफी सटल भी लग रहा है, विच आई एब्सोल्युटली लव। बट डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक विद द फाइनल लुक। Our final look and मुझे अपना eye makeup actually बहुत अच्छा लग रहा है, it's looking stunning and I hope आपको भी ये makeup look पसंद आया होगा, comment करके जरूर बताइएगा। अभी अगर आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया है तो वहाँ आपको इस look के मिल जाएंगे बहुत सारे photos, reels, transformation, so make sure you follow me there। अगर आपने मेरे नवरात्रि के बाकी videos अभी तक नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उन्हें जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो, लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना एंड बेल आइकन मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी मेरे वीडियोस मिस ना करो। बाय द वे ये इयररिंग्स भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये एक्चुअली मैंने लिया था सदर बाजार से इन दिल्ली, एंड अगर आपने मेरा दिल्ली वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखना, सदर बाजार वॉज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।